झारखंड में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, खासकर महिलाओं को लेकर सरकार घिरी है और ऐसे में अपराध अनुसंधान विभाग यानी सीआईडी की रिपोर्ट ने विपक्ष को एक और मौका दे दिया है। अपराध अनुसंधान विभाग ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध की समीक्षा 13-14 अप्रैल को की। इसमें 2017 और 2018 के आंकड़ों की तुलना के आधार पर सीआईडी के अधिकारियों ने 2018 में रेप की घटनाओं में कमी होने का दावा किया है। हालांकि 2016 की तुलना में 2017 में रेप के मामलों में वृद्धि हुई है। समीक्षा में पाया गया कि राज्य में 2014 में रेप के कुल 1122 केस दर्ज हुए थे। केस दर्ज होने का औसत प्रतिशत प्रति माह 93.50 था। 2015 में रेप के कुल 1198 केस दर्ज किए गए। प्रति माह केस दर्ज होने का औसत प्रतिशत 99.83 रहा। 2016 में रेप के कुल 1146 केस दर्ज किए गए। केस दर्ज होने का औसत प्रति माह 95.50 रहा। 2017 में रेप के 1357 मामले दर्ज किए गए। केस दर्ज होने का औसत प्रतिशत प्रति माह 113.08 रहा। वहीं 2018 में मार्च माह के अंत तक रेप के कुल 328 केस दर्ज किए गए। केस दर्ज होने का औसत प्रतिशत प्रति माह 109.08 रहा। समीक्षा में ये भी पाया गया कि इस वर्ष मार्च तक रांची जिले में रेप के 38 केस दर्ज किए गए। इसमें 37 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। समीक्षा के बाद पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी रिपोर्ट की माने तो झारखंड पुलिस महिलाओं की सुरक्षा, जागरूकता और सशक्तिकरण के लिए नया अभियान चला रही है। इसके तहत राज्य में 26 महिला फ्रेंडली पुलिस थाना और 26 महिला थाना स्थापित किए गए। राज्य के करीब 5000 पुलिस कर्मियों को महिलाओं से संबंधित केस को त्वरित और संवेदनशीलता के साथ निपटाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।